Hey, good morning guys, this is Saurav, welcome you all back to my channel Travel Hype, hope you all are doing good. तो भाई साहब आज का जो vlog है वो कोई weekend में नहीं है. Actually कल रात को मैडम जी कुछ reels देख रहे थे Instagram में, वहीं पे देख के उनको पता चला कि जेपी नगर 7th फेज में सत्या गणपति टेम्पल जो है वहाँ पर बहुत अच्छा से एक डेकोरेशन कुछ किया हुआ है. जो इंडियन करेंसी है, जो अभी मतलब जो करेंसी अभी चल रहा है उस करेंसी से ऑलमोस्ट, उसके बाद मैं बाकी सब रील्स वील्स देख रहा था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ करेंसी वहाँ पे लगा हुआ है. 10 का 20 का 1000 मतलब 500 का, उसके बाद 10-20 कॉइन का भी, 10 का कॉइन का भी, वो सब मिला के कुछ 2 करोड़ का करेंसी वहाँ पे लगा हुआ है. तो हाँ, उम्मीद है अभी हम लोग जाग के वहाँ पे देखने को मिल जाएगा. पता नहीं वो वाला जो मतलब रील्स था वो कब शूट किया गया था, लेकिन हम लोगों का कल पता चला. तो अभी पीछे मम्मी तीतान को लेके, मैडम जी, बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जेपी नगर और अपने को लगेगा 6 मिनट. तो हाँ उधर चलते. तो एक्चुअली वो जो टेम्पल है वो मॉर्निंग 6 to 2 o'clock तक टाइमिंग्स है और उसके बाद इवनिंग को फिर से. तो मैं सोचा कि यार चलो सुबह सुबह ही चले जाते हैं. 5:30 का हम लोग ने घर से निकल चुके थे और अभी 6 बज गया. तो हाँ पहुँचेंगे, वो करके कंप्लीट करके जल्दी जल्दी आ जाएंगे. 7-8 तक तो मेरा प्लान है घर पे पहुंचने का, उसके बाद फिर से काम पे भी निकलना है क्योंकि ये वीकेंड नहीं है. टर्न लेफ्ट ऑनटू 46th क्रॉस रोड, मरीनहल्ली रोड. ओके मम्मी जी. तो हाँ तो ये वीकेंड नहीं है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आके फिर से काम पे भी जाना है. तो हाँ देख लेते कितना जल्दी जा सकते. हाँ ठीक है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे चल के. अगर अपना लग अच्छा रहा आपको दिखाते भी है उसका डेकोरेशन कैसा है. टर्न राइट ऑन टू 24th. तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं. तो अभी भी लग तो रहा है कि दूसरे देख के लग रहा है कि शायद अपना लग अच्छा ही है. डेकोरेशन थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी मंदिर का गेट बंद है. तो हाँ चलते देखते हैं. 6 बजे से तो ओपन होने वाला था, देखते कब ओपन होता है. चलिए अभी आके एक बात पता चला, थोड़ा सा पोपट हो गया हम लोगों का. मॉर्निंग 6 o'clock कल तक, मॉर्निंग 6 o'clock से ओपन था टेम्पल, इतना भीड़ था. आज से टाइमिंग चेंज हो गया, 8 बजे से है अंदर जाने के लिए. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 6:15. अभी अपने को और 1 hour 45 minutes वेट करना पड़ेगा बाहर. अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी भी आप देख सकते हो बाहर लाइन पे खड़ा हुआ है. तो चितान के लिए हम लोगों को स्पेशल पास मिल गया, हम लोगों को अब बीच में से हम लोग अंदर आ पाए.
टेम्पल में हर बार गणेश चतुर्थी में कुछ ना कुछ अलग वो लोग डेकोरेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रूट अलंकार या फिर तो इतने साल तक हम लोगों को पता नहीं था तो नहीं आ पाए थे, तो इस बार पता चला तो नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे। ये रहा टेम्पल इधर, तो हाँ अभी चलते हैं अंदर साईं बाबा का दर्शन करते हैं, और टाइम भी हो रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी दर्शन करके उसके बाद निकलते हैं इधर से। लेकिन सीरियसली बहुत ही अच्छा है, डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली जो लोग त्रिपुरा से है या फिर वेस्ट बंगाल से, उन लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग से सजाते हैं ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी वैसे ही सजाया हुआ है। तो हाँ अभी साईं बाबा का टेम्पल में आए तो साईं बाबा का दर्शन करते हैं और उसके बाद चलेंगे इधर से। तो भाई दर्शन भी हो चुका है, अभी हम लोग निकल चुके हैं। तीतान की वजह से हम लोग को लाइन वाइन पकड़ने की ज़रूरत नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये जो डेकोरेशन है वो संडे तक ही रहेगा, तो जो लोग प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना, संडे तक ही है। हमें भी कल रात को पता चला और एवरी ईयर यहाँ पे होता है। हाँ तो जैसे मैं बोल रहा था, जो लोग त्रिपुरा से या फिर वेस्ट बंगाल से मेरा ब्लॉग देख रहे हो उन लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पे जैसे दुर्गा पूजा में 3 दिन का रहता है तो उस टाइम पे बहुत सजाते बजाते हैं, वैसे ही चल रहा है यहाँ पे भी। ये रहा टेम्पल पीछे, ये रहा टेम्पल, सीरियसली बहुत ही अच्छा है। तो हाँ आप लोग प्लान कर लेना, संडे तक ही है और मॉर्निंग 8 to 2 o'clock है और इवनिंग को फिर से है 4 to 7 o'clock शायद। तो या ये इतना तक ही है आज का ये छोटा सा ब्लॉग, तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो दूसरी जगह पे, तो दूसरे दोस्तों, तब तक के लिए बाय।